नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मैक्सिमम ये चर्चा चल रही है एग्जाम से ज़्यादा कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर देता हूं। अभी मेरा एक फ्रेंड है जिसके फादर साहब NTA बोर्ड में काम करते हैं और मेरी उनसे बात हुई है। हालांकि मैं उनका नाम आपको सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकता और ना ही वो कॉल रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी नेगेटिविटी फैल जाएगी मार्केट में। तो इसलिए, लेकिन मैंने जो पूरी बातों से एनालिसिस किया तो उन्होंने स्पष्ट यही बताया है कि बेटा देखो, पढ़ाई करो। जो स्टूडेंट आपके टच में, उनसे एक ही बात बोलो कि वो पढ़ाई करें। किसी भी हालत में नीट की ये डेट है, ये चेंज नहीं होगी। विनीत जोशी जी जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि ये डेट किसी भी हालत में चेंज नहीं होगी। आपका एग्ज़ाम 12 सितंबर को ही होगा। फिर मैंने उनसे ये बात डिस्कस की कि सर, ICR का एग्ज़ाम अगले दिन है, तो उन्होंने ये कहा कि NTA ही ICR का एग्ज़ाम कराता है, ICR का कोई अलग बोर्ड एग्ज़ाम नहीं कराता। तो हम 16 लाख स्टूडेंट या 18 लाख स्टूडेंट जो नीट में बैठेंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर ऐसा हमें लगेगा तो हम ICR के एग्ज़ाम की जो डेट है 13, उसको एक दो दिन आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन नीट के एग्ज़ाम पे किसी भी तरीके का कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। फिर मैंने लास्ट में पूछा कि ये मार्केट में एक अफवाह चल रही है या फिर काफ़ी लोग बोल रहे हैं, ये काफ़ी लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो इनका क्या होगा। तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि लोग हैं, आंदोलन करते रहेंगे, ये लोग कुछ अपनी मार्केट या फेस वैल्यू बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने ये कहा कि NTA के जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं या फिर NTA से जुड़े हुए मेम्बर हैं, उन्होंने किसी भी तरीके का कोई डिसीजन नहीं लिया है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड किया जाए। तो आप किसी भी तरीके के लोगों की बातों में ना आए कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। अगर बाद में कई एग्ज़ामों की डेट क्रैश होगी तो उन्हीं एग्ज़ामों को आगे पीछे कर दिया जाएगा, लेकिन नीट का ये इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, क्योंकि इस बार कई अदर कंट्रियों में भी हो रहा है। तो जो ये डेट डिसाइड की थी, इस डेट को डिसाइड करने में कम से कम 5 से 7 दिन बैठक चली, फिर लास्ट में कई एग्ज़ामों की डेट को मिलाया और काफ़ी डिसीजन लेने के बाद ये आपकी 12 सितंबर की डेट डिसाइड की गई थी। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरी बात हुई, मुझे यही पता चला है कि इस एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का फेरबदल नहीं होगा। अगर अभी तक आप मिसगाइड थे तो प्लीज़ आप अपने आप को कंट्रोल में रखें और अपनी पढ़ाई को चालू रखें, क्योंकि अब आपके पास बहुत 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 कम समय हो गया है। अगर अभी भी आपने इधर उधर बेस्ट कर दिया तो स्टूडेंट, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। फिर आप अगली साल का इंतज़ार करना और आने वाले समय में और कंपटीशन बढ़ता चले जाएगा और आप सिलेक्शन से हज़ारों किलोमीटर दूर होते चले जाओगे। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है आपका, किसी भी हालत में मुझे नहीं लगता कि पोस्टपोन्ड होगा। अगर आप किसी की बातों में आ रहे हो तो आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। नीट के जो ये वीडियोज़ हैं, काफ़ी ऑथेंटिक लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं नीट के ऊपर, काफ़ी अच्छे अच्छे उनके लाखों में मिलियनों में फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ऑफिशियल तरीके से पोस्टपोन्ड के ऊपर वीडियो नहीं डाली। ज़्यादातर लोग वही वीडियो डाल रहे हैं जो लैम लाइट माना चाह रहे हैं, जिनके 1000, 2000, 5000, 10000 सब्सक्राइबर हैं, जिनको अपने फेस वैल्यू का बिल्कुल ध्यान नहीं है। जो बड़े लोग हैं, जो अपनी ऑलरेडी फेस वैल्यू बना चुके हैं, वो अपनी इमेज को बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके। तो आप अपने आप को संभालिए और इन चीज़ों से बचिए, ये समाज के असामाजिक तत्व हैं, और आप अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन कीजिएगा। जैसे कोई ऑथेंटिक अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।